क्या उस्ताद ग्रेगरी यहाँ है? है भी और नहीं भी। उस्ताद ग्रेगरी, क्या आपको बेल की आवाज सुनाई नहीं थी? कैसे सुनूंगा, मेरे तो कान बज रहे हैं। अपने गांव में एक पुराना चर्च है, वहां एक बच्ची है, तकरीबन 10 साल की होगी, उस पर एक साया है। तुम्हें पता होना चाहिए, इस वक्त मैं किसी भी दूसरी दुनिया से नहीं जुड़ना चाहता। खड़े हो जाइए उस्ताद, लगता है आपका बुलावा आ गया। मैंने यहाँ से न उठने की कसम खाई है और मैं कसम कभी नहीं तोड़ता। आपके हाथ का निशान बता रहा है कि आप शूरवीर हैं। ये कह रहा है किसी मासूम की जान खतरे में है और आप कुछ नहीं कर रहे हैं। कर तो रहा हूँ, इसकी बातों को नजरअंदाज कर रहा हूँ। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, ऐसा सोचिए। फिक्र मत करो, बच्चे इन्हें फांसी पर नहीं लटकाएंगे, बस थोड़ी सी नसीहत देंगे। मार दो इसे। मैं आपकी जिंदगी की मिन्नत कर रहा था, उनकी नहीं। इस मग से हराने में कोई बहादुरी नहीं है, बहादुरी तो इसमें है कि शराब की एक बूंद न गिरे। शुक्रिया। मिस्टर ब्रॉडली, तुमने क्यों नहीं बताया कि घंटियां बज रही थी? माफ कर दीजिएगा उस्ताद। चांदी के जाल की जरूरत होगी। मेरी बच्ची को बचा लीजिए। यह किसी के काबू में नहीं आ रही। इसकी हालत कब से ऐसी है? कल शाम से। मेरे पास आओ, पास आओ मेरे। तुम जानते थे कि तुम मुझे उस गड्ढे में ज्यादा देर तक कैद नहीं रख सकते थे। अगर तुम सच में वही हो तो मेरे सामने आओ। छोड़ दे इस मासूम बच्ची को। थी ना, आती होगी, जरूर आती होगी। अब इनकार मत करना, मैं तुम्हारे दिल में झांक सकती हूं। ओह, लड़का, मुझे लड़के पसंद। अपनी आंखें बंद करो, मेरे पास आओ लड़के। इससे डरोगे तो इसकी ताकत बढ़ जाएगी। पता है ग्रेगरी, मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आई। आरो!
तुम्हारी मदद करता हूँ। आखिर जाल में फंसी गई। महसूस कर रहे हो वो कमजोर हो रही है। बहुत अच्छे बच्चे हैं। आ जाओ। मुझे माफ कर दीजिए उस्ताद। छोड़ दो इस लड़के को। हरगिज नहीं छोड़ूंगी। नहीं उस्ताद ग्रेगरी। बेचारे बच्चे को छोड़ो। अपने उस्ताद से रहम की उम्मीद मत रखना। उसका दिल मुझसे भी ज्यादा काला है। तुम अब मेरे गुलाम हो। उसे छोड़ो। मेरा सब कुछ रहा है। अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। इसे छोड़ो वरना तुम्हें जला दूंगा। उस्ताद ग्रेगरी। उस्ताद ग्रेगरी। उस्ताद ग्रेगरी। वक्त के साथ मैं ताकतवर बन गई। अब मैं आसानी से काबू में आने वाली नहीं। जो भी होगी फोड़ निकालूंगा।